नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। वीकी न्यूज कन्नौज। कन्नौज में अखिलेश यादव ने की जनसभा। कन्नौज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनकी पत्नी डिंपल यादव सहित गठबंधन जनसभा को किया संबोधित। कन्नौज के तेरा जाकेट में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर माइक पकड़ते ही भाजपा सरकार पर किया पार। उन्होंने कहा, मेरी सरकार में बहुत विकास कार्य हुआ है। 100 जैसी 108 सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है। पहले तो हम आप अकेले थे, अब हमारी ताकत बढ़ी है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी भी है। अब मौसम एकदम साफ हो चुका है। अब की बार ऐसा तूफान आने वाला जिससे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार हमारी जीत का रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। मुझे खुशी है इस बात की कि कन्नौज की जनता को काम याद है और काम के आधार पर जनता मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, जो अच्छे दिन का वादा किया था, जो करोड़ों नौकरी देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा, आज वो सच्चाई सामने है। 5 साल की सरकार के बाद यहाँ की जनता ने एक्सप्रेसवे देखा है, मंडी बनी देखी है, एम्बुलेंस चलती देखी है, 100 नंबर वाली पुलिस की व्यवस्था देखी है। तो आज जो काम हुआ है, जो उपलब्धियां हैं, वो जनता के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी पर काम नहीं है बताने को, इसीलिए नए सपने दिखा रहे हैं। नए सपनों के चक्कर में जनता नहीं पड़ेगी, जनता सच्चाई और हकीकत के सामने मतदान करेगी। देखिए, पहले चरण में जो बरसात हुई है वोटों की, शायद इससे भी ज़्यादा बूंदें गिरी हैं, बरसात से ज़्यादा आवाज़ आई है, और ये हर चरण में बढ़ता चला जाएगा। ये वोट की बारिश इसी तरह होगी, आने वाले समय में हर चरण में वोट की बारिश इसी तरह दिखाई देगी। आजम खान का जो बयान आया है वो बात खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में ले लिया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी, 1090 दी। एक नहीं, न जाने कितने में उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर इस तरह का काम समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। देखिए, उनकी वो इंटरनेट टेररिस्ट हैं। वो अगर हम देखें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यहाँ भी आप जानते हो क्या कहते होंगे लोग, इसलिए इनका व्यवहार खराब है, इनकी बातचीत खराब है। हाँ, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के लोगों तक जानकारी पहुँच रही होगी, आने वाले समय में हो सकता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चलिए, धन्यवाद। कन्नौज ऐसे में इसका इतिहास बहुत पुराना है। कन्नौज
राजस्थान ने और यहाँ के लोगों ने वो इतिहास बनाया जो कभी कभी इतिहास बनता है, जहाँ वोटी नहीं पड़े और निर्विरोध जीत गई समाजवादी पार्टी। ये भी इतिहास कन्नौज का है। और बताओ शिवरामो कन्नौज के लोग, जो समाजवादियों की सड़क बनी है वो है सड़क पे नहीं है उदाहरण देने वाली, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये है उदाहरण के नहीं है बताओ। अभी जीटी रोड नहीं बन पाई है वैसी, हालांकि जीटी रोड किस जमाने की है, जीटी रोड का भी बहुत वर्षों वर्षों का इतिहास है। आपकी एक्सप्रेस वे तो बन गई लेकिन जीटी रोड नहीं बन पाई। बताओ बीजेपी के लोगों ने जीटी रोड बनाई कि नहीं बनाई? और यही प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको याद होगा कन्नौज में, यही प्रधानमंत्री जी आए थे, यही आए थे प्रधानमंत्री जी और न जाने क्या क्या कह के चले गए थे कन्नौज में, न जाने क्या क्या वादे कर दिए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किया, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं पता लग रहा कहां पर है अच्छे दिन। अरे कन्नौज वालों को बताओ वो एक्सप्रेस वे से पहुंच जाएंगे कहां है अच्छे दिन, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। अच्छे दिनों की चोरी हो गई, अच्छे दिनों की चोरी हुई। यही नौजवान जो नौकरी तलाश रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं, नोटबंदी कर करके इनके नौकरी चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और हमारे किसानों की आय चोरी हो गई। उनकी खाद और यूरिया की बोरी में से 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? आय दोगुनी करनी थी, आय दोगुनी करनी थी। श्रीमती डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए श्रीमती डिंपल यादव जी का। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा
कार्यकर्तागण, हमारे नौजवान साथियों, हमारे किसान भाइयों, महिलाएं और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका और कन्नौज की जनता का आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ से सांसद चुन के भेजा है और एक बार फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया है और आप सभी ने मौका दिया है कि इस बार मैं फिर चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि क्योंकि अब तो गठबंधन का भी साथ है, बहुत मजबूत गठबंधन का साथ है ये, और इस गठबंधन के साथ हम बहुत बहुत ज्यादा वोटों से इस बार संसद में पहुंचने जा रहे हैं। कन्नौज हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जिस तरह कन्नौज का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, आने वाले समय में भी कन्नौज का विकास ही हमारी प्राथमिकता रहेगा। जब समाजवादी सरकार बनी थी, ऐसी सड़कें, पुल, बिजली का काम हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को पेंशन देने का काम हो, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हो, चाहे 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए काम किया गया हो, चाहे यूपी 100 नंबर देने का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम मेरा मानना है और मैं जानती हूँ आप सबका भी यही मानना होगा कि ऐसे ऐसे काम किसी भी सरकार ने नहीं करे हैं। और जब से